ओके, सो व्हाट इज अंडर परफॉर्मेंस? सो देखिए, वर्क प्लेस अंडर परफॉर्मर्स देयर आर मेनी काइंड, बहुत तरीके अंडर परफॉर्मर्स आपको मिलेंगे. कुछ केस में द एम्प्लॉइज मे बी एट फॉल्ट, इन सम केसेस इवन द कंपनी मे बी एट फॉल्ट. ओवर एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, वो सब भी हो सकता है. इट्स अ मिक्सचर. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू पॉइंट, व्हाट इज अंडर परफॉर्मेंस? सो फेलियर टू एग्जीक्यूट ड्यूटीज टू मीट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया होगा कि आपको ये काम करना है, एज एन अकाउंट्स मैनेजर आपको ये काम करना है. सो दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड इज नॉट मीटिंग दोज स्टैंडर्ड्स. सो ये एक अंडर परफॉर्मेंस है. नेक्स्ट है डिसरप्टिव, नेगेटिव और अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट. सो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट? आपके कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हो सकता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड इन द वर्क प्लेस? एक एग्जाम्पल दीजिए इधर इन चैट, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सो डिसरप्टिव, नेगेटिव, वी अंडरस्टैंड. व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट? कौन है वो, क्या, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को अनएक्सेप्टेबल बोलते हैं हम लोग? सो गाइस, लेट्स सी सम पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आप सबको पार्टिसिपेट करना है. बियॉन्ड पॉलिसीज, ओके, और बताइए जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. ये कंपनी में आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में कुछ कुछ चीजें होंगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. सो व्हाट कैन दोस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बी? मिसबिहेवियर, ओके, वेरी नाइस. गेटिंग फिजिकल, मेबी. मिसकंडक्ट, अनएथिकल पॉलिसीज, वेरी नाइस पॉइंट. अनएथिकल पॉलिसीज, तो कुछ भी चीजें जो कि आपके कंपनी को इंपैक्ट कर सकती है, आपकी टीम को इंपैक्ट कर सकती है, दोज आर अनएक्सेप्टेबल कॉन्डक्ट. डिटोरिएटेड कंप्लायंस विद रूल्स, प्रोसीजर्स और पॉलिसी. सो देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट लाइक टू फॉलो द पॉलिसीज. नाउ पॉलिसीज आर मेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बनती है, वो बनती है कंपनी के लिए. सो द पीपल हु आर जॉइनिंग द कंपनी, दे हैव टू फॉलो द पॉलिसीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट. We have to understand, we have to follow it. हाँ, आपको problem है, there are ways to how to resolve it. आप manager से बात कीजिए, you talk with your HR, but at least what is there in the policy? जैसे कि leave, you have to take a certain number of leave. पर उसको बोला कि नहीं, मुझे 18 leave से काम नहीं चलेगा, मुझे 30 leave तो लेना ही है. So that's something you are going beyond the policy. So you have to understand, not every policy will be good as per your requirement, but that is the overall picture you have to follow. Next is frustration within the team members. So there are एक टीम है चार पांच लोगों का, वन थ्री पीपल आर वर्किंग वेरी नाइस, काफी अच्छा काम कर रहे हैं. देयर इज वन पर्सन हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नॉट लाइकिंग द जॉब, उसको खुद पसंद नहीं काम करना, एंड द पर्सन इज स्प्रेडिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस अबाउट द अदर मेंबर्स. सो टीम में अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ला रही है, जब टीम मेंबर्स देख रहे हैं कि मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, हम तीन जने मेहनत कर रहे हैं, तो अदर पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग. सो दिस काइंड ऑफ थिंग रियली हैम्पर्स द परफॉर्मेंस. सो देखिए, अंडर परफॉर्मेंस देयर कैन बी मेनी मोर फैक्टर्स. ये कुछ कॉमन है जो हम डे इन एंड डे आउट पे हम देखते हैं.